दोस्तों, द एट्थ नाइट मूवी की शुरुआत होती है एक संस्कृत के श्लोक से, जिसमें हमें बताया जाता है कि आज से सदियों पहले जमीन पर एक बहुत ही ताकतवर शैतान ने उत्पात मचा रखा था और इसे खुद लॉर्ड बुद्धा भी नहीं मार पा रहे थे। तब लॉर्ड बुद्धा ने राक्षस को रोकने के लिए एक नई तरकीब निकाली। बुद्धा ने शैतान की दोनों आँखों को निकाल लिया और एक आँख जो की रेड है उसे वेस्ट रेगिस्तान में छिपा दिया और दूसरी आँख जो की ब्लैक है उसे ईस्ट की पहाड़ियों में छिपा दिया। और अब हमें बताया जाता है कि रेड मून की रात को रेड आई जागता है और एक आदमी को ढूंढता है जो कि उसकी दूसरी आंख तक पहुंचने में मदद करेगा, और जब ये दोनों वापस मिल जाएगी तो शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आएगा और जमीन को नरक में बदल देगा। अब हम एक डेजर्ट का सीन देखते हैं जहाँ एक गाड़ी दौड़ रही है। इस गाड़ी में एक शोधकर्ता जिसका नाम किम जून है, वो रेड आई की तलाश में है और उसे इस बार यकीन है कि वो जिस लोकेशन पर जा रहा है उसे वहाँ पर रेड आई मिल जाएगी। अब अगले सीन में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ ढेर सारी रेत में चीजें गड़ी हुई है। किम जून इस खोज से मैथोलॉजिकल स्टोरी डायमंड सूत्र को प्रूव करना चाहता है, यानी वो सदियों पहले शैतान वाली कहानी को साबित करना चाहता है। अब किम वहाँ पर खुदाई करता है और फाइनली उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसके ढक्कन पे संस्कृत लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, और वह जल्दी से बॉक्स को खोलता है। उसके अंदर उसे एक गिलास जैसा कुछ मिलता है जिसके अंदर एक चमकीला सा पत्थर होता है जिसे देख वह बहुत खुश होता है। अब जैसे ही मीडिया में ये बात फैलती है तो किम रातों रात फेमस हो जाता है। उसे नाम के साथ बहुत सारी शोहरत भी मिलती है, मगर ये सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है क्योंकि साइंटिस्ट उस ऑब्जेक्ट पर कार्बन डेटिंग करते हैं जो कि नेगेटिव आती है। मतलब डायमंड सूत्र जिस टाइम की स्टोरी है ये ऑब्जेक्ट उतना पुराना नहीं है, और इसके बाद किम पर फ्रॉड करने के आरोप लग जाते हैं। ऑथोरिटीज मानती है कि किम ने नाम कमाने के लिए सभी लोगों को गुमराह किया है। उस पर कई सारे केस लग जाते हैं जिनसे वे लड़ता भी है, लेकिन वे अपने आप को सही नहीं साबित कर पाता है। अब यहाँ से हम 14 साल बाद का सीन देखते हैं जिसमें हम किम को सड़क पर चलते हुए देखते हैं जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है और वह भिखारी की तरह दिख रहा है। किम अपने घर आता है और उन पुराने पेपर्स को देखता है जिसमें उसके बारे में आर्टिकल्स छपे हुए थे। वह उन्हें देखकर चिल्लाता है और उन पेपर्स को जला देता है। अब घड़ी में रात के 1 बज चुके हैं और ये वक्त है जब मून रेड मून में कन्वर्ट होगा जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। और अब किम उस पत्थर के गिलास को निकालता है जिसमें उस छोटे चमकीले पत्थर को भी रख देता है, और फिर किम उसमें कई सारे अलग अलग लोगों के ब्लड को डालता है। फिर वो अपने हथेली को काट कर अपना ताजा खून भी उसमें मिलाता है, और अब किम इंतजार करता है कि कुछ होगा मगर कुछ नहीं होता है। और हताश होकर किम चाकू उठाकर अपने गले को काटने ही वाला होता है कि तभी गिलास के अंदर कुछ हलचल होती है और वो छोटा चमकीला पत्थर रेड आई के रूम में बाहर निकलता है और जमीन पर गिर जाता है। अब किम ये देख रुक जाता है और फिर चाकू से उस आई को टच करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और एक पहाड़ी पर हम एक ओल्ड मॉन्क को देखते हैं जिसका ध्यान और उसकी माला दोनों ही टूट चुकी है, और वो समझ जाता है कि रेड आई ने अपना होस्ट ढूंढ लिया है। अब वो मॉन्क के कमरे में जाकर एक बॉक्स को चेक करता है जिसमें उसके पूर्वजों ने ब्लैक आई को छुपा रखा था। अब हम रेड आई के जागने के बाद का पहला दिन देखते हैं और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। यह भी एक मॉन्क था मगर अब उसने ये काम छोड़ दिया है। अब हमें वापस बुक सोंग की पहाड़ियों को दिखाया जाता है जहां वो ओल्ड मॉन्क अपने शिष्य चोंगसो को बुलाता है और उसे शैतान के दोनों आंखों की पूरी कहानी बताता है और कहता है कि 7 रातों में 7 आदमियों के जरिए रेड आई ब्लैक आई को ढूंढने का सफर तय करेगी और हमें इसे हर हालत में रोकना है क्योंकि यही हमारा काम है। अब हम जंगल में एक शिकारी को देखते हैं जो कि शिकार पर निकलता है और तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वो अपने नाइट विजन गॉगल्स को लगा लेता है, तभी उसके कंधे पर हमें शोधकर्ता जिम का हाथ दिखता है और इस तरह वो शिकारी भी मारा जाता है और रेड आई को अपना सेकेंड आदमी मिल जाता है जिसके अंदर वह घुस जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ हम होटल के रूम में एक लड़के और लड़की को देखते हैं जहाँ वो लड़की बताती है कि उसे कुछ दिन पहले कोई आदमी मिला था जिसने उसे फ्री चेकबुक करवाने के लिए उसे पैसे दिए और उसके कुछ ब्लड सैंपल्स ले गया। दरअसल ये लड़की किम के बारे में बता रही थी। किम ने फ्री चेकबुक के बहाने 7 लोगों का ब्लड सैंपल इकट्ठा किया था और यही
सात लोग रेड आई के सात आदमी हैं, जिसकी मदद से सात रातों में रेड आई ब्लैक आई तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब हम उस शिकारी को देखते हैं जो कि उस होटल के बाहर खड़ा है और रूम के अंदर आकर उस लड़के और लड़की को मार डालता है, फिर लड़की को नया होस्ट चुन लेता है। अब अगले सीन में हम चोंगसो को देखते हैं जो कि एक डरावने सपने की वजह से जाग जाता है और चोंगसो देखता है कि ओल्ड मॉन्क वहाँ उसी के पास बैठे हुए हैं। ओल्ड मॉन्क चोंगसो से कहता है कि टाइम आ चुका है, तुम जाके सोन हवा को ढूंढो और उसे बताओ कि मॉन्स्टर आने वाला है, और फिर वो ओल्ड मॉन्क मर जाता है। अब हमें तीसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ एक इन्वेस्टिगेटर जो कि एक होटल में हुए मर्डर की तहकीकात कर रहा था वो रूम में जाता है जहाँ वॉशरूम में उसे लड़के की लाश मिलती है और तभी उसकी नजर टेबल के किनारे एक शिकारी की लाश पर पड़ती है जो कि अब पूरी तरीके से गल चुकी है, बस उसकी हड्डियां ही बची हुई है। इन्वेस्टिगेटर का साथी कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे हम विक्टिम कहें या फिर सस्पेक्ट, क्योंकि कैमरे के हिसाब से जब ये रूम में आया था तो ये बिल्कुल सही था। अब हम चोंगसो को देखते हैं जो कि गुल्लक में जुटे हुए पैसों के साथ सोनहवा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसके पास वो ब्लैक आई का बॉक्स भी होता है, मगर उसे कुछ भी मालूम नहीं है कि उस बॉक्स में क्या है। अब हम चौथे दिन को देखते हैं जहाँ चोंगसो एक कागज पे लिखे हुए एड्रेस की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वे लोगों से पूछता भी है, लेकिन उस एड्रेस का पता कोई भी नहीं बता पाता है। थक हार कर चोंगसो वहाँ सीट पर बैठ जाता है, तभी चोंगसो को पीछे से कोई धक्का मारता है और वो कागज हाथ से गिर जाता है। चोंगसो उस कागज को उठाने के लिए झुकता है और जब वे वापस पीछे देखता है तो वह देखता है कि वो पोर्डी जिसमें उसने ब्लैक आई का बॉक्स रखा था वो सीट पर नहीं थी, और जब वो खड़ा होकर अपनी नजरें घुमाता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि उसे घूर रही थी और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उस इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, वो किसी पब्लिक वॉशरूम में है और वहाँ उसे एक लड़की की लाश मिलती है और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये वही होटल वाली लड़की है और इसका मतलब यह है कि रेड आई ने अपना नया होस्ट ढूंढ लिया है और उसने इस लड़की की बॉडी को छोड़ दिया है। अब इधर जैसे तैसे चोंगसो एड्रेस पूछते पूछते सोनवा तक पहुंच जाता है और उसे लिख कर बताता है कि ओल्ड मॉन्क नहीं रहे और उन्होंने जो सामान मुझे आपको देने के लिए भेजा था वो मैंने कहीं खो दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि रात का वक्त है और एक डिलीवरी बॉय स्कूटी से कहीं जा रहा है और उसे एक जगह टनल के अंदर एक लड़की दिखती है। ये लड़का उस लड़की को पहचान लेता है क्योंकि ये दोनों एक ही मेडिटेशन ग्रुप में हैं। मगर जब वो लड़का उसके पास जाता है तो वह देखता है कि उस लड़की के कपड़े फटे हुए हैं और उसे हर जगह पर चोट लगी हुई है। वह कुछ नहीं समझ पाता, तभी वह लड़की उस पर अटैक कर देती है और इस तरह रेड आई अपना नया होस्ट चुन लेता है। अब हम पांचवें दिन को देखते हैं जहाँ सोनवा एक नए हथियार खाने जाता है और वहाँ से एक नई कुल्हाड़ी खरीदता है क्योंकि उसे लास्ट स्टेपिंग स्टोन होस्ट को मारना होगा रेड आई को उस वक्त तक पहुँचने से पहले। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वह शैतान हार जाएगा और फिर सोनवा अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है ताकि वह लास्ट स्टेपिंग स्टोन को ढूंढ सके। अब सोनवा हाल ही में हुई मौत से पता लगाता है कि रेड आई नेक्स्ट होस्ट को कहाँ पर ढूंढ सकता है। अब हम इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो कि टनल में किसी लड़की की बॉडी पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वे उसे देखकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि रिसेंट में मिली तीन बॉडीज और उस लड़की की बॉडीज में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए और जब वो उस लड़की के सिर को देखता है तो देखता है कि उसमें एक छेद है और ऐसे ही छेद बाकी की बॉडीज में भी है। दरअसल रेड आई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने के लिए सिर में छेद करके जाता है और कुछ देर बाद हम एक घर में उस लड़की को देखते हैं जो चोंगसो को बस टर्मिनल पर खड़ी दिखी थी जहां चोंगसो से ब्लैक आई बॉक्स खो गया था। ये लड़की असल में एक आत्मा है जो कि रेड आई की गुलाम है। ये लड़की एक होस्ट के घर में रह रही है जो किसी डील की वजह से उसे बचा रही है और यहीं से वो रेड आई को उसके लिए नए होस्ट का ब्लड देती है। अब हम चोंगसो और सोनवा को अलग अलग होकर लास्ट होस्ट को खोजते हुए देखते हैं और यहाँ चोंगसो को वो लड़की एक घर में दिखाई देती है। चोंगसो घर में जाता है और वो लड़की यहाँ चोंगसो को चाय पिलाती है, मगर उन दोनों के बीच कोई खास बात नहीं होती है और फिर चोंगसो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनवा उस लोकेशन को ढूंढ रहा था
जहां पांचवे होस्ट ने डिलीवरी बॉय को मारा था। सोनवा वहां छानबीन करने लग जाता है, मगर वो ये ध्यान ही देता है कि पास ही में इन्वेस्टिगेटर है जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि अब वो इन्वेस्टिगेटर सोनवा को शक की नजर से देखता है और उसके पास जाकर सोनवा की आईडी मांगता है। आईडी को चेक करने पर सोनवा पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं मिलता है, मगर जब वो सोनवा की बैग की तलाशी लेने के लिए कहता है तो सोनवा वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि उसके बैग में एक कुल्हाड़ी थी। यहाँ दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है और फिर सोनवा इन्वेस्टिगेटर को जख्मी कर वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि चोंगसो वापस सोनवा के पास आ जाता है और उसे रास्ते में स्कूल की लड़की मिलती है जो कि उसे कुछ देर पहले घूर रही होती है। चोंगसो भी उसे देखता है और थोड़ी देर में उस लड़की के गाल में एक छेद हो जाता है और रेड आई वहाँ से चोंगसो को देखता है। चोंगसो ये देखते ही डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। रेड आई ने इस लड़की को अपना नया होस्ट चुन लिया होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर और उसका असिस्टेंट कहीं जा रहे होते हैं और यहाँ असिस्टेंट इन्वेस्टिगेटर को एक ताबीज देता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि फिलहाल जिस केस पर वो काम कर रहे हैं वो किसी शैतान से रिलेटेड है। इन्वेस्टिगेटर उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो ताबीज को फेंकने वाला होता है, मगर असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि इसके लिए मैंने अपना ब्लड दिया। अब इन्वेस्टिगेटर उसका मन रखने के लिए ताबीज रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात का वक्त है और चोंगसो सोनवा से मिलता है और फिर सब कुछ उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने क्या देखा। अब सोनवा चोंगसो को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं और मुझे किसी को जान से मारना है और तुम ये देख नहीं पाओगे। इसके बाद सोनवा वहाँ से निकल जाता है। सोनवा भागते हुए इन्वेस्टिगेटर को देख लेता है और उसका पीछा करने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि चोंगसो स्वेंथ स्टीफिंग स्टोन के घर पे सोनवा से पहले पहुँच जाता है और उस आत्मा को वहाँ से भगा ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सोनवा इसे ही मारने वाला है और उसे ये भी नहीं पता होता है कि ये एक आत्मा है। सोनवा स्वेंथ स्टीफिंग स्टोन के घर पहुँचता है और जैसे ही वह उसे मारने जा रहा होता है, इन्वेस्टिगेटर उस पे हमला करके उसे रोक लेता है और अब इन दोनों के बीच फिर लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ रेड आई पहुँच जाता है और वो इन्वेस्टिगेटर को मार कर जख्मी कर देता है, मगर वो सोनवा को नहीं मारता क्योंकि अभी उसे कुछ और भी देखना है। अब रेड आई वहाँ से भागने लगता है और सोनवा उसका पीछा करने लग जाता है ताकि वह उसे मार सके, लेकिन एक जगह पर पहुँच कर सोनवा फंस जाता है क्योंकि उसे वो पुलिस असिस्टेंट मिल जाता है और रेड आई उसके सामने विक्टिम बनकर मदद मांगता है। और जब वो सोनवा को बंदूक दिखाकर अरेस्ट करने जा रहा होता है तब रेड आई पीछे से उसी पर हमला कर देता है और उसे अपना नया होस्ट बना लेता है और फिर वो सोनवा की तरफ बंदूक तान देता है, जिसकी वजह से सोनवा को वहाँ से भागना पड़ता है। अब हम उस इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो वापस स्वेंथ स्टेपिंग स्टोन से इन सब बारे में बात करने लग जाता है और वो बताती है कि मेरे साथ मेरे घर में एक आत्मा रहती थी जो कि रेड आई की गुलाम है और एक डील की वजह से वो मुझे मरने से बचाती थी। इसके लिए वो रेड आई को दूसरे लोगों का ब्लड देती थी ताकि वो दूसरे लोगों को अपना नया होस्ट बना सके। लास्ट में तुम्हारा असिस्टेंट यहाँ पर आया था ताकि वे ताबीज बना सके, जिसका हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड भी लिया था और वो हमने रेड आई को दिया, और वो कहती है कि अब तुम्हें बुक सॉन्ग के पहाड़ पर जाना होगा अगर तुम ये सब कुछ रोकना चाहते हो तो। अब हम आगे देखते हैं कि चोंगसो उस आत्मा को लेकर बुक सॉन्ग के पहाड़ पर पहुंच जाता है और वो दोनों एक टूटे हुए घर में रुके हुए हैं। यहाँ चोंगसो उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि मेरा नाम एरन है, और फिर वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सोनवा वहाँ पर आ जाता है और वो पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। फिर चोंगसो जब नजर घुमाता है तो देखता है कि एरन वहाँ पर नहीं है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी वहाँ चोंगसो को वो ब्लैक आई का बॉक्स मिलता है जिसने उसे खो दिया था, और फिर वह सोनवा को बताता है कि ये कभी खोया ही नहीं था, बस ये तुम्हें दिख नहीं रहा था। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ चोंगसो ने हमेशा उस बैग को अपने कंधे पर टांग रखा था। अब हम देखते हैं कि रेड आई चोंगसो और सोनवा बुक संघ के पहाड़ पर पहुँच चुके हैं और वो इन्वेस्टिगेटर भी उस पहाड़ पर आने की कोशिश कर रहा है। अब चोंगसो और सोनवा एक ट्रैप बनाते हैं ताकि वे रेड आई को फंसा सके, और जब रात होती है तो सोनवा ट्रैप के अंदर बैठकर
रेड आई को बुलाता है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि रेड आई अपने हाथ में गौतम बुद्धा की मूर्ति का टूटा हुआ सर लेकर सोनवा के पास आता है और उसके सामने सर को आग में फेंक देता है। सोनवा तुरंत ही आंख बंद करके ओम का उच्चारण करने लग जाता है। उसका ये प्लान होता है कि जैसे ही रेड आई पुरानी बॉडी को छोड़कर मेरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तब चोंगसो सोनवा को कुल्हाड़ी से मारकर जान से मार देगा और रेड आई ब्लैक आई के बीच का बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। मगर सारा प्लान बिगड़ जाता है जब रेड आई सोनवा को ये बताता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है और वो एरन को कमांड करता है कि वो जाके चोंगसो को ढूंढे। अब एरन बाहर आती है और वो चोंगसो को अपने काबू में कर उससे ब्लैक आई बॉक्स ले रही होती है कि तभी ओल्ड मॉन्क जो कि मर चुके हैं उनकी आत्मा ओ की थवनी शुरू कर देती है। वो इतनी पावरफुल होती है कि सभी होश में आ जाते हैं। सोनवा रेड आई को पकड़ लेता है और चोंगसो बॉक्स लेकर वहाँ से भाग जाता है। मगर रेड आई भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो एक झटके में सोनवा को साइड में कर देता है और चोंगसो को पीछा करने लग जाता है। कुछ दूर भागने के बाद रेड आई चोंगसो तक पहुँच जाता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है कि सोनवा पीछे से आकर उसकी टांग में गोली मार देता है। अब रेड आई रेंगते हुए चोंगसो का पीछा कर रहा होता है और जैसे ही सोनवा रेड आई को कुल्हाड़ी से मारने वाला होता है कि वहाँ इन्वेस्टिगेटर आ जाता है और वो सोनवा को गोली मार देता है और इस तरह सोनवा रेड आई को नहीं मार पाता है। इधर रेड आई चोंगसो को पकड़ देता है और उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रेड आई सबसे पहले उस इन्वेस्टिगेटर को मार देता है और फिर वो सोनवा के पास जाता है और उसे भी मार देता है और फिर रेड आई ये खुलासा करता है कि चोंगसो असल में उस औरत का लड़का है जिसने तुम्हारी फैमिली को कार एक्सीडेंट में खत्म कर दिया था और ये बात तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए इसे मार दो। और यहाँ सोनवा रेड आई के बहकावे में नहीं आता है और वे ठंडे दिमाग से सोचता है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब चोंगसो एक बच्चा था जिसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। सोनवा चोंगसो का गला दबाने के बहाने चोंगसो के सर पे ओम का निशान बना देता है और फिर उसका हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगता है और फिर रेड आई को अपने अंदर आने का निमंत्रण देता है। और जैसे ही रेड आई मजबूरन सोनवा के शरीर में जा रहा होता है तो चोंगसो होश में आ जाता है और तभी सोनवा चोंगसो से रिक्वेस्ट करता है कि जल्दी से वो उसे मार दे। अब चोंगसो के कुल्हाड़ी चलते ही रेड आई की ब्लैक आई से बॉन्डिंग टूट जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अब हम आगे उसी रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ किम रेड आई को लाया था। चोंगसो वहाँ पहुँच जाता है और रेड आई के बॉक्स को वापस दफन कर देता है और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब उसे बेड़ियों में बंदी एरन दिखती है जो कि चोंगसो से कहती है कि वो उसे आजाद कर दें और चोंगसो ऐसा ही करता है और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।